आदरणीय मुख्य अतिथि, पत्राचार अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षक एवं शिक्षिकागण और मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज स्वतंत्रता दिवस के पवित्र अवसर पर मैं अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत लंबे अरसों से गुलाम था। इन गुलामियों के बंधनों से हमें स्वतंत्र कराने के लिए हमारे देश के असंख्य वीर सपूतों ने अपनी जानों की बलिदान दी उन वीर सपूतों में से जिसने अपने जान की बलिदान दे दी, उनमें से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वीर भगत सिंह, सुखदेव, अब्दुल कलाम, रोशन सिंह आदि का योगदान रहा है। आज महिलाओं का भी कम योगदान नहीं रहा है। महिलाओं में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गाबाई देशमुख, एनी बेसेंट, डॉक्टर मुतुलक्ष्मी रेड्डी और सरोजिनी नायडू का योगदान रहा है। आज हमारे देश में आतंकवाद इतना फैल चुका है कि हमारे देश के वीर सैनिक इसे मारने के लिए अपने जान की बलिदान दे रहे हैं। हम इस झंडे की कसम खाते हैं कि इस झंडे की सुरक्षा के लिए चाहे हमें मौत की दरिया पार करनी हो या चाहे जीते जी सिर पर कफन मारने, हम इसकी सुरक्षा करते रहेंगे। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैं अपना व्याख्यान समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।